राजसमंद जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार ने जिले को करीब 369 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगातें दी। इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और कई मंत्री और कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। नाथद्वारा के दामोदर दास स्टेडियम में आयोजित लोकार्पण एवं जनसंवाद कार्यक्रम में राजस्थान 2030 कार्यक्रम के तहत मार्बल व्यापारियों और पिछवाई कलाकारों से संवाद किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, स्पीकर सीपी जोशी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, देवस्थान मंत्री शकुंतला रावस, जल संसाधन मंत्री महेंद्र जीत सिंह मालविया समेत नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में 74 करोड़ 76 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 294 करोड़ 12 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने मोबाइल कैंसर वैन को भी हरी झंडी दिखाई। आपने कहा जो 1000 रुपए जैसे पेंशन के हम लोग राजस्थान में सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाऊंगा और मैं भी कम से कम 1000 रुपए दूंगा विधवाओं को, निशेचनों को, बुजुर्गों को। 200 रुपए देते, 200 रुपए। आप बताइए कितना बड़ा फर्क है। ये नहीं कहा गैस सिलेंडर 500 रुपए दे दी स्टेट गवर्नमेंट, हम भी 500 रुपए में देंगे, ये नहीं कहा आपने। तो आप जो है जनता को भ्रमित करने में आपका जो तरीका है मैं उसको उचित नहीं मानता। आप प्रधानमंत्री है, आपके पति गरिमा है, पर आप चुनाव जीतने के लिए जिस प्रकार आप और आपके साथी केंद्रीय मंत्री मंडल के पूरा कुटुंब बैठा हुआ राजस्थान के अंदर धावा बोलते राजस्थान के अंदर, आपके सब नेता क्या क्या बोलते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, वो आपको मालूम है क्या क्या हो रहा है। और मुझे क्या तो प्रसन्नता है, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा अलग अलग समाज के लोगों ने उनको सजेशन दिया है और 2030 का राजस्थान कैसे बनना चाहिए उसका वो डॉक्यूमेंट बना रहे जो 5 तारीख को राजस्थान की जनता को समर्पित करेंगे। मुझे ये भी कहते हुए प्रसन्नता है कि अशोक गहलोत जी पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत जी उन सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं में है जिन्होंने देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी के साथ काम किया, स्वर्गीय राजीव जी के साथ काम किया। ज्यादा से ज्यादा काम करके देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए महाराणा प्रताप ने जैसे लड़ाई लड़ी थी देश की अखंडता के लिए, आप लोगों को आगे आकर देश को आगे कैसे लेकर जाए, आप लोग ट्रेंड सेट बने पूरे हिंदुस्तान। अगर बीजेपी का नेता राजस्थान में दमदार होता तो मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी डेली अप डाउन क्यों करता था, डेली अप डाउन के बारे में भी आजकल एक व्यवस्था है कई साल से के रोजिना को बांटो ज्यादा लागे मन में को पास बना ले आज अभी शाम बनाए बनाए। तो मैं मोदी जी ने अमित शाह जी ने पास का पीसा भेज दे दे से भाई चंदो कर पास बना लो डेली आवाज आता हो ज्यादा कर तो नहीं कर पड़ा। सरकार ने 5 साल काम किया है और आज जो काम किया उसी के बूते राजस्थान में आज मोदी जी भी खेल हो रहे हैं। उनको भी कहना पड़ा कि सरकार की गारंटी जो है वह भी गारंटी के अशोक गहलोत की गारंटी में
विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों दलों के दिग्गज नेताओं से ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं और जिनको टिकट मिलने की आस है वो भी चुनावी मैदान में डटे हैं, मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सीट पर सियासी दाव पेच भी कभी कभी फंस जाता है। अब जयपुर की चौमू विधानसभा सीट का हाल देखिए। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते टिकट वितरण के लिए काफी जोड़ तोड़ मची है। इसी बीच जयपुर की चौमू विधानसभा सीट को लेकर भी बीजेपी की सियासत में पारा चढ़ा हुआ है। चौमू में शिखा बराला और हनुमान बराला कांग्रेस से तो श्रवण बराला बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा गहलोत कैंप के भगवान सैनी और विष्णु सैनी को भी कांग्रेस से टिकट की चाह है। वहीं सबके बीच रुक्मणी कुमारी भी एक डार्क हॉर्स के तौर पर उभर रही है। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है चौमू विधानसभा सीट का समीकरण। चौमू से कांग्रेस के कई उम्मीदवार मैदान में हैं। बराला परिवार से 3 लोग मैदान में, 2 कांग्रेस से और 1 बीजेपी से मांग रही टिकट। शिखा बराला और हनुमान बराला मांग रहे कांग्रेस से टिकट। दोनों में से किसी एक को टिकट के लिए पीसीसी चीफ डोटासरा कर रहे लोबिंग, लेकिन शिखा का प्रचार सीमित है साड़ियां बांटने तक। वहीं बराला परिवार से श्रवण बराला मांग रहे बीजेपी से टिकट। उधर भगवान सैनी और उनका पुत्र विष्णु सैनी भी मैदान में। भगवान सैनी और विष्णु दोनों माने जाते गहलोत कैंप से। इन सभी के बीच रुक्मणी कुमारी भी उभर रही एक डार्क हॉर्स के तौर पर, एक वीरांगना के तौर पर रुक्मणी के प्रति चौमू वासियों में सहानुभूति। उधर राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चल सुर्खियों में आई थी रुक्मणी। राहुल की यूथ टीम के सदस्यों में शामिल है रुक्मणी। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी है रुक्मणी कुमारी। गत 2-3 सालों से चौमू वासियों के हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में शिरकत कर रही रुक्मणी। बहरहाल कांग्रेस के रामकिशोर व्यास, वर्तमान में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी जैसे दिग्गज भी इस सीट से अपना दाव आजमा चुके हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी कांग्रेस में से ढूंढाड़ अंचल के प्रमुख कस्बे में से एक चौमू से किस पर दाव खेला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। भारत 24 का राजस्थान टूरिज्म कॉन्क्लेव का आज दुर्गापुरा स्थित होटल मैरियट में आयोजन किया गया। बढ़ता राजस्थान, उभरता राजस्थान, ये थीम थी और इस पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा, जो परिस्थिति सामने आती है उसको हम कैसे सकारात्मक तरीके से लेते हैं ये अहम बात है। टूरिज्म कब से है ये सवाल है, क्योंकि पहले जो लोग आते हैं वो सिर्फ व्यापार और ज्ञान के लिए आते हैं। टूरिज्म बढ़ाने के लिए यात्राएं जरूरी है। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर महेश जोशी जी, राजीव अरोड़ा जी, खान साहब, पवन भाई, मनोज भाई उपस्थित, महानुभाव आमंत्रित अतिथि, आप सबका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान में गहलोत साहब के नेतृत्व में पर्यटन में जो क्रांति आई है पिछले कुछ सालों में वो सचमुच अद्भुत है। आज आप देखिए, जब भी लॉन्ग वीकेंड आता है दिल्ली और एडजॉइनिंग स्टेट्स में, तो हर वीकेंड पे 30,000-40,000 लोग जो है जयपुर में आते हैं टूरिस्ट। वो एक अलग बात है कि शहर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन इसका जो बिजनेस का आस्पेक्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। बिजनेस बढ़ता है, रोज़गार बढ़ता है और राजस्थान का ब्रांडिंग होता है एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है। तो टूरिज़्म के क्षेत्र में जो मंत्री जी हैं विश्वेंद्र सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है गहलोत साहब के मार्गदर्शन में। सरकार ने बहुत सारी रियायतें दी हैं, उद्योग बनाया है, तो कहा जा सकता है कि पूरे देश में आज राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो पर्यटन के क्षेत्र में शायद पहले या दूसरे नंबर पर है। और इसका सारा श्रेय यहाँ की सरकार, टूरिज्म से जुड़े संगठन और बाकी जो लोग हैं उन सबको जाता है, उसके लिए वे सब बधाई के पात्र हैं। तो इन्हीं बातों से प्रेरित होकर के भारत 24 फर्स्ट इंडिया एक इस तरह का आज आयोजन किया है कि हम बैठ के चर्चा करें कि पर्यटन को कैसे आगे बढ़ाना है, अच्छा काम किया है सरकार ने उसकी तारीफ करें और ये देखें कि आगे की रणनीति कैसे हो। तो ये सब बातें इसलिए थी, आप सब लोग आए, खास करके महेश जी, रोड़ा साहब, खान जी साहब, आप सबका हार्दिक आभार। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पवन अरोड़ा का जो रोल है उसके लिए मैं एक वोट ऑफ थैंक्स उन्हें भी देता हूँ।
थैंक यू सो मच। जबुड़ ग्रेटर नगर निगम में अब कामकाजी महिलाओं की अपने बच्चों को संभालने की चिंता समाप्त होगी। ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में मेयर डॉक्टर सौम्या ने नवनिर्मित क्रेच का शुभारंभ किया, साथ ही इंदिरा रसोई और पन्नाध्याय सभागार का भी शुभारंभ किया। क्रैच में बच्चों के रहने खाने सहित खेलने की भी सुविधा होगी। क्रैच में सीसीटीवी से बच्चों की निगरानी भी होगी। अगर माँ बाप चाहें तो ऑनलाइन लिंक लेकर अपने बच्चों की गतिविधियों को घर बैठे भी देख सकते हैं। क्रैच के अंदर 6 साल तक की बच्चे रहेंगे। ये आज का उद्घाटन के कार्यक्रम मैं मानती हूँ कि महिला शक्ति के लिए, महिला सशक्तिकरण की तरफ एक मील का पत्थर साबित होगा, जहाँ सर्वोच्च बलिदान देने वाली, राष्ट्रभक्ति के लिए सर्वोच्च जिन्होंने बलिदान दिया, माँ पन्नाध्याय के नाम से समिति सभागार बना है। इसी के साथ में आज क्रेच, यहाँ क्रेच का उद्घाटन हुआ है और आप क्रेच को आप जिसको देख पा रहे हैं, जिसका लोकार्पण आज हुआ है, यहाँ बच्चों के लिए नगर निगम के सभी कर्मचारी, अधिकारी, हमारी स्वच्छता सैनिक, उन सब के बच्चे यहाँ क्रेच में रहेंगे और उनका मातृत्व है, बिना किसी विरोध के, बिना किसी परेशानी के, वो अच्छे से मातृत्व का सुख भी प्राप्त करेंगे। मंत्री विशाल मोहम्मद जैसलमेर जिले के पोकरण दौरे पर है, जहाँ मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से बजट घोषणाओं के तहत गोमट गाँव में नवनिर्मित अल्पसंख्यक छात्रावास का लोकार्पण किया गया, विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। समारोह के दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्री शाले मोहम्मद का आभार जताया। इस मौके पर मंत्री शाले मोहम्मद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मंत्री शाले मोहम्मद से बात की हमारे सहयोगी चंद्रशेखर दवे ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मिशन 2030 को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री भी लगातार पोकरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, करोड़ों रुपए के विकास कार्य का लोकार्पण कर रहे हैं। हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद जी, इनसे हम खास बातचीत करते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन 2030 को लेकर जनता के बीच पहुँच रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप लगातार लोक कल्याणकारी योजनाएं? देखो, अभी आज मैंने जो हमारा मुख्यमंत्री जी का मिशन 2030, ये बहुत बड़ी बात है, तो मैंने पोकरण की तमाम हमारे जो कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका है, आशा सहयोगिनी है, एनएम से, राजीविका से जुड़ी हुई महिलाएं हैं या और किसी संगठनों से, एनजीओ से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, आज उनके साथ भी मैंने संवाद किया था, तो काफ़ी अच्छे उनके सुझाव आए हैं। जो मुख्यमंत्री जी की सोच है कि आने वाले 2030 के अंदर राजस्थान देश के अंदर नंबर वन बने, तरक्की करे, खुशहाली लेके आए, उसमें लगभग 1 करोड़ लोगों के सुझाव मांगे हैं, तो तमाम सुझाव लोगों के आ रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट बन रहा है और उस मिशन के तहत जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आएगा, उस डॉक्यूमेंट के तहत सरकार काम करेगी, तो कहीं ना कहीं जो हम कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि राजस्थान पूरे देश का सिरमौर बने, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो ये मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, ये अपने आप बहुत अच्छी सोच है और कहीं ना कहीं ये नंबर वन बनेगा पूरे मुल्क के अंदर। आज मैंने पोकरण के अंदर काफ़ी हमारी यहाँ की जो सौगातें थी, चाहे माइनॉरिटी के लोगों के लिए हॉस्टल्स की बात हो, कॉमन सर्विस सेंटर की बात हो, यहाँ की नई पहचान RJ55 परिवहन कार्यालय की बात हो, कृषि महाविद्यालय, तमाम कहीं हमने 22 करोड़ की लगभग यहाँ नई सौगातें, लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जो यहाँ कहीं की जो बुनियाद रख लें, ये बुनियादें आने वाली पीढ़ियों के लिए, देश के भविष्य के लिए हैं। ये पोकरण की बहुत बड़ी ज़रूरत थी और इन 5 सालों के अंदर तो हमने पोकरण के विकास के लिए और जैसलमेर ज़िले में तमाम जो एजुकेशन और हेल्थ के अंदर जितना अच्छा काम किया, हालांकि सभी विभागों में काम किया है, पर इन दोनों विभागों में बढ़ चढ़ के हमने काम किया है, क्योंकि ये दोनों जो है राजस्थान को तरक्की लेके जाएगा। आज स्वास्थ्य के लिए भी हेल्थ को मजबूत करना ज़रूरी है और आने वाली पीढ़ी के लिए एजुकेशन का सिस्टम भी मजबूत करने की ज़रूरत है। इन दोनों में हमने राजस्थान में अच्छा काम किया है और उसके लिए जैसलमेर का भी, आज सीमावर्ती ज़िला है, यहाँ जो काम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जैसलमेर ज़िले के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है कि आपने जो हमने मांगा वो तमाम चीज़ें दी हैं और हमारे ज़िले के लिए अच्छी साबित होगी। बहुत बड़ा सवाल है, पीएम मोदी लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं, उसको लेकर आप क्या? देखो, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी कि आज दूसरी बार की सरकार चल रही है, 9 साल हो गए, यदि कोई भी सरकार बनती है, आज प्रधानमंत्री जी को जितना समर्थन राजस्थान दिया, 25-25 सांसद जीत के गए हैं, ये अपने आप बहुत बड़ी बात है। आज ERCP ये बहुत बड़ी मांग है पूरी राजस्थान की, आज करोड़ों लोगों को सिंचाई का पानी चाहिए, पीने का पानी चाहिए। आज आपने युवाओं के लिए बात की कि भाई हम हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, जो आज देश में महंगाई है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो मुख्यमंत्री जी हमेशा सच की बात कहते हैं कि भाई आज कोई भी देश का प्रधानमंत्री बोलता है या बड़ा व्यक्ति बोलता है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं, और यदि ये लोग बोल रहे हैं उसके बाद वो
उनकी कथनी और करने में फ़र्क आता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ ये गलत हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी की बात मांग वाजिब है, वो राजस्थान के लिए बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि आज आप 11 बार राजस्थान में आए हो, तो आपको चाहिए कि राजस्थान की जो ज़रूरत है भारत सरकार से, उन चीज तमाम चीज़ों के लिए आप जो जनता से आपने वादे किए हैं, उन वादों को आप पूरा करें। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद, जिनका कहना है कि 2003 में राजस्थान को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रयासरत हैं। मुख्य पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो जिस तरीके से राजस्थान में जो मांगे उनको जो है उनको पूरी करनी चाहिए। सहयोगी भूपेंद्र राणा के साथ चंद्रशेखर दवे, फर्स्ट इंडिया न्यूज पोखरण। माउंट आबू में भी अब पर्यटकों को वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का आनंद उठाना आसान हो गया है। वन्य जीव अभ्यारण्य में आज से जंगल सफारी का आगाज हो चुका है। वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। इस मौके पर सांसद देवजी पटेल, पूर्व विधायक रतन देवासी, कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल वीसी के जरिए जुड़े। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो मंशा थी कहीं ना कहीं आज कारगर साबित होती हुई नजर आई। आज वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने वीसी के माध्यम से माउंट आबू को एक सौगात दी है कि माउंट आबू के अंदर आज से जो है वन्य जीवों को नज़दीक से निहारने का मौका मिलेगा। ये तो तमाम जो जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं आज ये उस पल के जो है गवाह बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि आज का जो दिन है इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ता हुआ जाएगा। भाटी जी, कैसे देखते हैं इस जीप सफारी को? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी की के कार्यक्रम द्वारा जो आज सफारी जीप का जो शुभारंभ हुआ है और इसके लिए इको टूरिज्म का जो बढ़ावा मिलेगा और आम जो आबू की जनता को जो इसके रोजगार मिलेगा, इसके लिए मैं मंत्री जी को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो धन्यवाद देता हूं। और ये जो प्रयास जो हमारे माननीय नेताजी रतन देवासी जी के अथक प्रयासों से ये कार्य हुआ है, क्योंकि ये पिछले 2 साल से इसी के सिलसिले में चल रहे थे, जिसमें यहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने भी बहुत सहयोग किया। डीओपो साहब है, उपखंड अधिकारी जी, कलेक्टर साहब है, इन्होंने सबके सहयोग से इस आज इस सफलता को हम हासिल कर चुके हैं और आगे आने वाले समय में और भी ऐसी कई योजना जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी उसको और लागू करने का। मेरे साथ पालिका अध्यक्ष जीतू राणा है। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को? आज आप कार्यक्रम में मौजूद थे, कैसा लग रहा? ये मतलब काफ़ी समय से रुका हुआ था, अटका हुआ था। ये हमारे पूर्व रतन देवासी जी की सफलता है, ये हम मानते, पूरा माउंट आबू मानता है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद ये माउंट आबू के लिए नया पर्यटक स्थल बना है। देखिए यहाँ पर ये तमाम जनप्रतिनिधि है, उनका कहीं ना कहीं मानना है कि माउंट आबू के अंदर जो ये जीप सफारी का जो आगाज हुआ है वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। मेरे साथ डीएफओ साहब हैं। साहब, आज विधिवत आगाज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से, ताकि जो आने वाला जो टूरिस्ट है वो सेफ महसूस करके और जंगल भी बचा सके? देखिए माउंट आबू में ये सफारी की डिमांड बहुत पुरानी है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें लिमिटेशंस थी, अब उन लिमिटेशंस को दूर करके जीप सफारी शुरू करी गई है। और ख़ास तौर पर यहाँ के जो निवासियों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो बहुत ही हमें बहुत ही उत्साह देता है इस बात का कि शायद हम वन विभाग इन शहरवासियों के लिए, पर्यटन के लिए कुछ कर पा रहा है। और आगे भविष्य में भी हमारे प्रयास रहेंगे कि सफारी का दायरा और बढ़ाया जाए, इस संबंध में हम पूरा प्रयास करेंगे। मेरे साथ ACGM साहब भी मौजूद है, जो कार्यक्रम का हिस्सा बनने आए। सर, कैसे महसूस कर रहे हैं आज, चूंकि आप एक अधिकारी के पद पर हैं, उसके अलावा जो पर्यटन के लिहाज से उसको कैसे देख रहे हैं? राजस्थान में काफ़ी पर्यटन स्थलों पर जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर जिप्सी सफारी की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से किया जा रहा है। और माउंट आबू में ये काफ़ी समय से रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को यहाँ के डिपार्टमेंट ने अपने पूरे कोशिशों से राज्य सरकार की मदद लेकर इस माउंट आबू में जो नई शुरुआत की है, जो निश्चित तौर से पर्यटकों के लिए एक बहुत ही आनंददायक, उत्साहदायक होगा ये जिप्सी सफारी का। और आने वाले समय में धीरे धीरे इसका ट्रैक और बढ़ेगा, तो माउंट आबू के लिए भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि पर्यटकों को एक नई एडवेंचर एक्टिविटी के लिए मौका मिलेगा। और माउंट आबू का भी डे बाई डे पर्यटकों का जो फॉरेस्ट के प्रति जो अट्रैक्शन है वो डेफिनेटली इससे बढ़ेगा। देखिए ये तमाम जो अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है, उन सभी का यही कहना है कि माउंट आबू में जो जंगल जीप सफारी जिसका आज विधिवत आगाज हुआ है, आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा। सहयोगी जितेन के साथ कमलेश प्रजापत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, माउंट आबू, सिरोही।
राजस्थान पुलिस ने प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड हाईवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर संबंधित पुलिस अधीक्षकों को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए। राजस्थान पुलिस ने चावन के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी और चुनाव आयोग से मिले निर्देशों के बाद पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अधीक्षकों को कई तरह के निर्देश जारी किए गए। पुलिस मुख्यालय में नवनिर्मित भारतमाला हाईवे NH 754A पर राजस्थान खंड में चुनावों के समय मादक पदार्थों और नगद धनराशि के परिवहन की आशंका जताई गई। पुलिस मुख्यालय में हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर और सांचौर के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखे इस नए हाईवे पर अस्थायी चेक पोस्ट बनाने और लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए। जयपुर में नर्सिंग कर्मियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना स्थल पर सुंदरकांड का पाठ किया। संयुक्त नर्सिंग संघर्ष समिति के आह्वान पर SMS अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे नर्सिस एकत्रित हुए, जहां आमरण अनशन कर रहे नर्सिस नेता राजेंद्र राणा, के यादव के साथ सुंदरकांड का पाठ किया गया। पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर नर्सिस नेता बैठे हैं। इस दौरान नर्सिस नेताओं से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। पिछले लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नर्से जो है आंदोलन की राह पर है। इस आंदोलन के तहत जब सहमति बनी, उस सहमति के बाद में जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाई, तो वापस से दोबारा से नर्से ने यहाँ पर आंदोलन शुरू किया, जिसमें कि आमरण अनशन पर 2 नर्से नेता जो है वो बैठे हुए हैं। आज उसी धरना स्थल पर आज सुंदरकांड के पाठ जो है वो किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि SMS अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरना दिया जा रहा है, जिसमें कि सुंदरकांड के पाठ किए जा रहे हैं। सुंदरकांड के पाठ इस बात को लेकर कि जो 2 नर्से हैं उनका स्वास्थ्य लाभ है वो रहे, साथ में उनकी मांगे जो है उन पर गंभीरता से विचार हो, इसकी मांग को लेकर के सुंदरकांड के पाठ किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है प्यारेलाल जी, उनसे बात करते हैं। प्यारेलाल जी, आज सुंदरकांड के पाठ जो आप कर रहे हो, क्या डिमांड्स आप लोगों की और जो सहमति बनी थी कुछ दिनों पहले वापस से आंदोलन की राह पर? माननीय ACS के दिनांक 1 तारीख को जो हमारी समझौता वार्ता में जो वार्ता हुई थी, उसमें नर्सेज को केंद्र के समान वेतनमान, हमारे भत्ते, हमारे पदनाम, नर्सिंग ट्यूटर NM उनके पदनाम, स्टूडेंट को स्टाइफंड और नर्स ग्रेड सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ट्यूटर को राजवृत्ति पदे और विभिन्न 11 सूत्री मांगों को लेकर जो NRHM में कॉन्ट्रैक्ट में काम करें उनको सेवा काल के लाभ को सेवा काल में जोड़ा, इन विभिन्न मांगों को लेकर हम लगातार पिछले 47 दिन से पहले पूर्व में धरना दे रहे थे। राजस्थान के अधिकारियों के द्वारा दिनांक 1 अगस्त को करे गए समझौते के अनुसार कि हम आपको 15 दिन में आपके इसके 11 सूत्री मांग पत्र नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल कार्रवाई करेंगे, परंतु विभाग के आला अधिकारियों द्वारा आज तक की निरस्तापूर्वक कार्रवाई करने विरोध में आज राजस्थान के अंदर हम आज SMS के मुख्य द्वार पे हमारे 2 साथी भाई राजेंद्र जी राणा और KK यादव पिछले 4 दिन से आमरण अनशन बैठे हैं। हम राजस्थान की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं और आज इनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, इसलिए आज एक सुंदर पाठ का आयोजन किया गया है। भी काफ़ी आंदोलन है वो भी बैठे, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका और जो ये आंदोलन है क्या मानते हैं, आपकी डिमांड्स कितनी जायज है और उनको कितना मान करना? मेरा नाम सरोज यादव है और आज मैं हमारे यहाँ पे 11 पूरे SMS मेडिकल कॉलेज अटैचमेंट और भी अदर हॉस्पिटल हैं, सभी हैं यहाँ पे लीडर्स और 11 सूत्री मांगों को लेकर हमारे आज सुंदरकांड किया जा रहा है। क्या लगता है आपकी मांग से वो सहमति बनी है फिर लागू नहीं हो पाई? हाँ ठीक है, और नर्सिंग नेता उनसे बात करते हैं। अनेश सैनी जी, जो आपकी डिमांड्स है उनमें से ऐसी कौन सी डिमांड्स है जो कि नॉन फाइनेंशियल है, जिनको लागू करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, हमारी पदोन्नति जो है, कैडर स्ट्रक्चर की जो बात है, वो एक नॉन फाइनेंशियल डिमांड है। उसके अलावा बहुत सारी मांगें जो ऐसी हमारी हैं जिनको पूरा किया जा सकता है 11 सूत्री मांग पत्र को लेके, और हम शुरू से पहले 47 दिन तक हमने आंदोलन किया, फिर समझौता हुआ, उसके बावजूद भी लागू नहीं हो रहा। अब हमारे 2 साथी आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी तबीयत रेगुलर बिगड़ती जा रही है और उनकी सरकार को सद्बुद्धि के लिए हम आज सुंदर पाठ का पाठ कर रहे हैं। ये नेता थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से आंदोलन जो है वापस शुरू किया। अब उम्मीद यही है कि जो ये आंदोलन शुरू किया गया है इसका कोई रास्ता निकले, रास्ता निकलने के साथ ही इनकी मांग है वो उनका जायज रास्ता निकल पाए, ताकि नर्से जो वापस काम पर लौट सके। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।